सैनिटाइज की बात की जा रही है और इस तरीके से जो लोग भूखे हैं उन्हें किचन है जो उत्तर प्रदेश सरकार की अवधारणा है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के सभी के आदेश है, उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने जनपद का हो या जनपद में आकर उस दौरान लॉकडाउन की स्थिति में यहाँ पे जो है रुक गए हों, निवासित हो गए हों, तो उन सभी को हमें जो है उनके खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध करानी है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में SDM साहबान, हमारे पुलिस अधिकारीगण, सभी की टीम लगी हुई है, उनको उसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार से जो है खाने में कोई कमी ना होने पाए। और आप देख ही रहे होंगे कि जो है आप मीडिया के साथ ही भी उसमें बढ़ चढ़ कर हर जगह पहुँच रहे हैं, तो आप लोगों को देखने में आ रहा होगा कि सब जगह जो है हमारे यहाँ लोगों जो भी शिकायत आ रही कंट्रोल रूम के माध्यम से या फोन के माध्यम से या हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से आप सभी के माध्यम से उन सभी को हम लोग इंटरटेन करना है, उनके साथ में पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद EDM साहब, ये कि हमारे साथ में EDM साहब जो है जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो किचन बनाए गए हैं उनसे जो है भूखे लोगों तक की राहत पहुंचाई जा रही है और हाईवे पे ये चेकिंग भी की जा रही है, लगातार गाड़ियों को रोका भी जा रहा है, तो लगातार पुलिस और प्रशासन का प्रयास जारी है। लखनऊ से KNews के लिए सनी कुमार।